अरे छोटू ये देख कितनी मस्त फॉर्च्यूनर है। हाँ यार बहुत मस्त है, पर अगर इसको ट्रक उड़ा दे तो कितना मजा आएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ और पूरी रात डाकू आदम की एडिटिंग कर रहा था। वैसे गाइस आपको पता है ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है इस चैनल पर। पहले मैं अपने सेकंड चैनल पर ब्लॉग डालता था, पर अभी वहाँ पर वेब सीरीज शुरू हो गई है एक्शन वाली, इसीलिए मैं उस चैनल पर ब्लॉग अपलोड कर नहीं पा रहा था। और आप लोग कमेंट करते रहते हो रेड क्रिमिनल ब्लॉग रेड क्रिमिनल ब्लॉग, तो अब आपके लिए गुड न्यूज है। तो अब से मेरे कंटिन्यूस ब्लॉग आएंगे इस चैनल पे, तो सभी बंदे नोटिफिकेशन को और पे सेट कर दो ताकि मेरे नए ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे गाइज आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स से नहीं मिले हो ना, तो चलो मैं आपको मेरे फैमिली मेंबर्स से मिलवाता हूँ, पर पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ। तो गाइज अभी मैंने खाना वाना खा लिया है, मम्मी ने मस्त लहसुन वाले परोठे बनाए थे, मजा आ गया। वो देखो मम्मी वहाँ पीछे आपको दिख रही होगी, वो अभी दोपहर का खाना बना रही है, तो अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पहले मैं आपको पापा से मिलवाता हूँ। ये देखो गाइज ये मेरे प्यारे पापा है। तो पापा अभी आपको कैसा लग रहा है मैं ब्लॉगर बन गया? बस पर मैं तो तेरी पढ़ाई पे लाखों रुपए लगाए थे, वो तो वेस्ट हो गया, पर अब तू ये मोबाइल से पैसे कमा रहा है ऐसा लग रहा है। गाइस ये मेरे पापा का स्टाइल है तारीफ करने का, पर कभी कभी समझ नहीं आता ये तारीफ कर रहे है या बुराई कर रहे है। छोड़ो इन्हें, अब मैं मिलवाता हूँ आदम सासा से। वैसे ये मेरे सासा नहीं है, उम्र में ये मेरे जितने ही है, पर लोग इन्हें सासा बोलते है और मेरे पापा भी इन्हें सासा बोलते है, तो मैं भी इन्हें सासा ही बोलता हूँ। तो चलो अब मैं आपको मेरे फैमिली के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलवाता हूँ। ये है हमारी ग्रैनी। ग्रैनी पूरे दिन व्हाट्सएप में स्टेटस देखती रहती है, पक्का ये एक दिन सबसे बड़ी व्हाट्सएप इन्फ्लुएंसर बनेगी। ग्रैनी हाय बोलो, ब्लॉग चल रहा है। गाइस ग्रैनी थोड़ी भयंकर है, उनसे दूरी बनाई रखनी पड़ती है। तो सड़ो अब मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे ताऊ जी से। ये है मेरे प्यारे ताऊ जी। प्यारे ये सिर्फ मेरे लिए है, बाकी तो ये बहुत बदमाश है। इन्होंने मेरी उम्र में बहुत बदमाशी की है, फिर कभी इनके बदमाशी के किस्से सुनाऊंगा। और ये है हिप्पू मेरा बेस्ट फ्रेंड, आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे। और ये है मेरी प्यारी मम्मी, वो अभी दोपहर का खाना बना रही है। और गाइस कभी आप घर पे आओ ना तो मम्मी के आज के लहसुन वाले परोठे जरूर ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ एकदम ओपी बनाती है। तो सड़ो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ छोटू से और मेरे प्यारे पेट पिगू से। पिगू ये देखो क्रिमिनल डा आ गए है। अरे 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 गाइस ये देखो कितना खुश हो रहा है पिगू मुझे देख के। अरे पिगू रुक जा भाई रुक जा। अच्छा अब समझ गया ये बिछड़ा इतना उछड़ क्यों रहा है, इसको पोटी आई है और छोटू टॉयलेट पे कब्जा करके बैठा है। वही सही पकड़े है गाइस, ये छोटू बहुत बदमाश है, बिछड़े पिगू को परेशान करता रहता है। सर छोटू नीचे उतर टॉयलेट से, क्योंकि तू तो पोटी डायपर में भी कर सकता है। अबे मैं पोटी नहीं कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, मेरे को नहाने दे, डिस्टर्ब मत कर। देखो गाइस छोटू के मजे है, वो साइज में छोटा है ना तो कमोड में घुस जाता है और उसमें भी नहा लेता है। पर गाइस अगर हिप्पू को पता चढ़ गया ना कि छोटू उसके टॉयलेट को बाथटब बना के नहा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे छोटू को टॉयलेट से बाहर निकालना पड़ेगा। हाय छोटू सर सु सर आजा 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 उड़ उड़। अबे मुझे कुत्ता समझ रहा है क्या, मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है सर, तो अगर तू बाहर आ जाएगा ना तो मैं तुझे डैम पे घूमने ले जाऊंगा। सर आजा मेरे भाई, पक्का ले जाएगा ना, बुद्धू तो नहीं बना रहा है ना। सारे अगर एक बार मर्द ने जुबान दे दी ना तो फिर वो पीछे नहीं हटता, मैं भी मर्द हूँ, ये ले उतर गया। शाम को जाएंगे ना हम दोनों डैम पे, ठीक है? तो गाइस अभी नहा धो के आ गया हूँ और ये देखो पापा जी के साथ खड़ा हूँ और हम सब मिल के अभी जेठालाल देख रहे है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा जी पूरे दिन घर पे क्यों बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है उनका? मैं बताता हूँ, वो असल में हम लोग क्रिमिनल खानदान से है ना, तो पापा जी पहले बैंक वगैरह लूटते थे, पर अब तो सारा सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो अब बैंक लूटने में कोई फायदा नहीं हो रहा है, घाटे का बिजनेस हो रहा है। तो अभी पूरे दिन वो घर पे ही बैठे रहते हैं। पापा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बेटा, वो भी क्या दिन थे जब मैं और तेरे ताऊ जाते थे बैंक लूटने और रोज लाखों रुपए भर भर के लाते थे। कोई ना पापा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, मैंने लाखों रुपए लूट के तेरी पढ़ाई में लगा दिए और तू पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पाया, मेरी सारी कमाई तो तेरे पे वेस्ट हो गई। हाँ गाइस जब मैं स्कूल जाता था ना तो आधे घंटे बाद पूरी स्कूल मुझे घर पे छोड़ने आती थी, सोचो मैं कितना बदमाश होऊंगा। अरे कोई बदमाश नहीं था ये, रेड क्रिमिनल स्कूल जाते ही पेंट में सुसु कर दिया करता था,
इसलिए प्रिंसिपल आते थे इसको घर पे छोड़ने। गाइस मैं क्या करूँ, मेरा टाइम ही था 9:30 बजे सुसु करने का और स्कूल 9 बजे होती थी। छोड़ो इन्हें, अब हम चलते हैं डैम पे, वो छोटू को जुबान दी है ना। अरे तू मार्केट में जा रहा है तो मेरी वो चीज ले आना। हाँ ग्रेनी, आपके लिए 2 बीमड़ ले आऊंगा, ठीक है। अबे नुबड़े चुप, लोग में उस चीज का नाम नहीं लेना था। अरे यार ग्रेनी, इनसे क्या छुपाना, ये तो हमारी क्रिमिनल सेना है, हमारी फैमिली है। वैसे भी आपका चेहरा देख के पता चल ही जाता है कि आप पूरे दिन बीमड़ खाती रहती हो। बाबू मौसाई, मुफ्त की बीमल तोड़ती रहती है ग्रैनी, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ कंटेंट दो तभी मिलेगा बीमल। ठीक है ये देखो, मैं ऐसे लोगों को डराती हूँ रात को। गाइस ग्रैनी ओपी इन द सेट हो जाए। अबे क्या नुगड़ो, तुम पूरे दिन ग्रैनी को परेशान करते रहते हो। चल अब 2 नहीं 4 लाना बीमल। तो गाइस अभी मैं और छोटू जा रहे थे डैम पे, पर ये छोटू छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, सारे ने कार में बम छोड़ दिया, तो मुझे धूप में एसी बंद करके कार की खिड़कियां खोलनी पड़ी। झूठ बोल रहा है ये घिनौनी हरकत इसने ही की है। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल भरवाने, और ये देखो हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए। अरे भैया, हमने तो आपकी कार देखकर ही आपको पहचान लिया कि ये तो रेड क्रिमिनल ही है। अच्छा गाइस, तो इन्होंने हमारी कार देख ली इसलिए आ गए, बाकी हम तो अंदर ग्रोसरी खरीद रहे थे। ओए भैया एक फोटो हो जाए। ओए तो गाइस अभी मैं मेरे सब्सक्राइबर से फोटो खिंचवा लेता हूँ, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। If you come around just to play me, don't bother, 'cause you ain't gonna do it. Don't even try to convince me, don't bother, 'cause now I see through. तो गाइस अभी ना एक पोपट हो गया, अभी ना हम जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के निकले ना, उनको तो हम पैसा देना ही भूल गए। वो क्या हुआ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलने आ गए ना, तो जल्दी जल्दी मैं भूल गया, तो सर उनको पैसा देने चलते हैं। अरे नहीं नहीं क्रिमिनल भाई, आपसे पैसा नहीं लेना हो मुझे, रहने दो, पैसा मत दो। अरे गाइस हम इनको कब से समझा रहे हैं, पर ये हमसे पैसा ही नहीं ले रहे है। ले लो ना भैया। अरे छोड़ना, नहीं लेना है तो फिर नहीं देते है। गाइस छोटू बोल रहा है तो फिर नहीं देते है, मेरे 500 रुपए बच जाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डैम पे, और ये देखो मेरी फेवरेट कार खड़ी है फॉर्च्यूनर। छोटू देखी तूने कितनी मस्त फॉर्च्यूनर है। हाँ यार बहुत मस्त है, पर अगर इसको ट्रक उड़ा दे तो कितना मजा आएगा। अबे छोटू भाग साले, तेरी काली जुबान एक दिन हमें बुरा फंसाएंगी। गाइस हम ड्रोन साथ में लेकर आए थे, तो छोटा आपको डैम का सिनेमेटिक शॉट दिखा दे। गाइस हमारे यहाँ डैम में ना शार्क मछली है, और वो छोटू की दोस्त है तो वो उसे मिलने आई है। रे कैसा है छोटू, सब राजी खुशी? गाइस बचपन में है ना मेरी एक मगरमच्छ दोस्त थी, पर पता नहीं अब वो कहाँ चली गई, शायद कनाडा चली गई स्टडी करने। तो गाइस अब मैं घर आ गया हूँ, और फिलहाल हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे वाह ये तो शार्क मछली है, ये शार्क मछली खाती है क्या? अरे काम कर जा, उस शार्क से पूछ कर आ।